हाँ जी, अगला जो सर्वे है वो दूसरे ग्रंथियों का है। सनी जिसके पारूस कुसुम है, सनी जस्ती जिसके 55 से 57 सन के दरम्यान दुनिया में इसको तहरीर किया गया है। मरकजी लोग इसके अंदर पारूस तमोथियस तीतस और जूते उस्तादों का जिक्र है। मरकजी मुकाम यरूशलेम और कुरिन्थस है। मरकजी आयत 5वें बाब की 20वीं आयत है। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है कि हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। यानी कि मसीह के एम्बेसडर होते हुए, खुदा के एम्बेसडर होते हुए पालूस जो है वो क्रंथियों की कलीसिया से क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि खुदा के वास्ते खुदा से मेल मिलाप कर लो। तो पालूस की जितने भी कटोत हैं, हमें उनमें जो है सबसे अहम जो बात मिली है वो ये है कि हमारा मेल मिलाप, हमारा रिश्ता खुदा के साथ कैसा होना चाहिए। और कुल अबवाब इसके 13 हैं, कुल आयात 156 हैं। मकसद इसका पालूस की खिदमत को मुस्तहकम करना, रसूल की हैसियत से इसके इख्तियार की हिफाजत और क्रंथस में झूठे उस्तादों की तरतीब करना है। इसके अहम मजामीन में आजमाइश, ईसाई नज्म व ज़ब्त, उम्मीद, खुदा के घर में रहना यानी दैयकी और मुस्तनद तालीम है। ये खत की ग्रंथ से बाहर के मसीहियों के लिए लिखा गया। ये एक इंतहाई जाती किस्म का खत है। याद रहे कि पालूस रसूल ने ग्रंथस को 3 खत तहरीर किए। इन खतूत में वो इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है, शायद उनकी तालीम की दुरुस्ती हो, क्योंकि वहाँ की कलीसिया के ज़्यादातर लोग पालूस की तालीम को मानते नहीं थे या फिर भुला देते थे, बल्कि उसके इख्तियार को भी जुटलाते। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।